नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई मंगलवार को कोर्ट में शुरू हुई तो अदालत ने बहुत संक्षिप्त निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी केस में 26 मई को अगली सुनवाई ऑर्डर 7 रूल 11 पर होगी। उस दिन वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी मांगी है। अदालत में कार्रवाई शुरू होने से पहले हिंदू सेना ने एक याचिका दायर कर वहां पूजा की अनुमति मांगी। अभी कोर्ट ने इस याचिका पर कुछ नहीं कहा। कोर्ट या तो इस याचिका को इसी मुकदमे के साथ संबंध करेगा या फिर अलग से सुनवाई करेगा। ये स्थिति जल्द ही साफ होने की संभावना है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पूरी सर्वे रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वे सर्वे रिपोर्ट पर उनकी जो भी आपत्ति हो उसे दाखिल करें। इस सर्वे रिपोर्ट में मंदिर पक्ष ने साक्ष्य मिलने का दावा किया है, जिसमें शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया है, जबकि मस्जिद कमेटी पक्ष इसे फब्बारा बता रहा है। मस्जिद पक्ष के इस संबंध में ऐतिहासिक साक्ष्य हैं जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। दिल्ली की एक अदालत में कुतुब मीनार को लेकर सुनवाई के दौरान एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व के बारे में कोई इनकार नहीं किया गया, लेकिन संरक्षित स्मारक में पूजा के मौलिक अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। बार एंड बेंच के अनुसार एएसआई ने स्वीकार किया है कि कुतुब मीनार परिसर के निर्माण के लिए हिंदू और जैन देवताओं के वास्तुशिल्प सदस्यों और छवियों का पुनः उपयोग किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेषों के तहत संरक्षित स्मारकों पर पूजा के अधिकार का दावा करने का अधिकार नहीं हो सकता। बता दें, एएसआई की कोर्ट में यह दलील एक उस याचिका के जवाब में आई जिसमें दावा किया गया था कि दक्षिण दिल्ली में कुतुब परिसर, जिसमें प्रसिद्ध मीनार है, मूल रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 12वीं शताब्दी में 27 मंदिरों की जगह पर बनाई गई। इससे पहले यहां पर हिंदू और जैन मंदिर थे। याचिका में इन मंदिरों के फिर से जीर्णोद्धार की मांग की गई है। दिल्ली में साकेत जिला न्यायालय ने कुतुब मीनार परिसर के भीतर पूजा और मंदिर की बहाली वाली याचिका पर आदेश को सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश निखिल चोपड़ा ने 9 जून को सुनवाई के लिए रखा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि लगभग 27 हिंदू और जैन मंदिरों को उजाड़ कर उसके स्थान पर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। इस मामले की याचिका को सिविल जज ने खारिज कर दिया था। सिविल जज ने खारिज करते हुए ये भी कहा था कि अतीत की गलतियां वर्तमान शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकती हैं, और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो संविधान के ताने बाने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान होगा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि ये स्वीकृत स्थिति है कि पिछले 800 साल से इसका उपयोग मुसलमानों द्वारा नहीं किया गया था। जब एक मंदिर जो मस्जिद से बहुत पहले अस्तित्व में था, तो इसे बहाल क्यों नहीं किया जा सकता है। वहीं कोर्ट ने इसको लेकर पूछा कि अगर ये मान भी लेते हैं तो सवाल है जो अधिक महत्वपूर्ण है, क्या अब आप इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर सकते हैं? अब आप चाहते हैं कि स्मारक का जीर्णोद्धार कर मंदिर में तब्दील कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि आप ये कैसे दावा करेंगे कि वादी को ये मानने का कानूनी अधिकार है कि लगभग 800 साल पहले मौजूद था। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने एक हल्के अंदाज में कहा कि देवता पिछले 800 वर्षों से बिना पूजा के जीवित हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को कैबिनेट से हटा दिया। विजय सिंगला पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। कैबिनेट से हटाने के बाद सिंगला को पंजाब सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, यह आम आदमी पार्टी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की राजनीति का उदाहरण है। देखना होगा कि विजय सिंगला क्या विधायक के पद से भी इस्तीफा देंगे या नहीं। विजय सिंगला ने विधानसभा चुनाव में प्रसिद्ध जाने माने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को शिकस्त दी थी। विजय सिंगला पर आरोप है कि उन्होंने स्वास्थ्य महकमे में ठेकों के बदले 1% कमीशन की मांग की थी और जांच में उनके खिलाफ ठोस सबूत भी मिले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को कैबिनेट से हटाने के फैसले की सराहना की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान का एक वीडियो साझा करते हुए पोस्ट किया, भगवंत मान पर गर्व है, आपकी कार्रवाई ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए हैं, पूरे देश को आज आप पर गर्व है। बता दें, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2015 में दिल्ली की सरकार में इसी तरह की कार्रवाई की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब पुलिस द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें भाजपा प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की हालिया गिरफ्तारी के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज अपहरण को लेकर की गई FIR को रद्द करने की मांग की गई। अदालत ने दिल्ली पुलिस बग्गा और अन्य को 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध किया। हालांकि जस्टिस अनु मल्होत्रा ने पंजाब सरकार की एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया, जिसमें दिल्ली की एक अदालत द्वारा बग्गा की तलाशी और उसके बाद पंजाब पुलिस की हिरासत रिहाई को लेकर आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा वो मामले से जुड़ी फाइलों को पढ़ेंगे और 26 मई को इस पर दोबारा विचार करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत को बोलने की अनुमति देने वाली संस्थाओं पर सुनियोजित हमला किया जा रहा है। संसद, चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर एक संगठन द्वारा कब्जा किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि प्रभावशाली लोग और एजेंसियां देश में संवाद को नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। राहुल गांधी इंडिया एट 75 नाम के कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने छात्रों, विशेषकर भारतीय छात्रों के सवालों का जवाब दिया। राहुल ने कहा कि मोदी भारत के एक ऐसे विजन का निर्माण कर रहे हैं जहां वो हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को छोड़ रहे हैं, और ये भारत का विजन नहीं है, ये भारत के एक हिस्से का विजन है। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस हिंदू राष्ट्रवाद की ताकतों के खिलाफ कैसे लड़ने की योजना बना रही है, राहुल ने कहा कि इसमें कुछ भी हिंदू नहीं है और वास्तव में इसमें कुछ भी राष्ट्रवादी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उनके लिए एक नया नाम सोचना होगा, लेकिन वे निश्चित रूप से हिंदू नहीं है। और मैंने आपको ये बताने के लिए हिंदू धर्म का पर्याप्त विस्तार से अध्ययन किया है। राहुल ने कहा कि लोगों की हत्या करने और लोगों को पीटने में कुछ भी हिंदू नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान के टोक्यो में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक में भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है और इससे क्वाड की छवि फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, डिजास्टर रिस्पॉन्स और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जापान के प्रधानमंत्री को बेहतर आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी दिया। बीजेपी सरकार की नीतियों की अक्सर आलोचना करने वाले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि जापान में कल घोषणा की गई कि क्वाड चीन के विस्तारवाद का जवाब देने के लिए है। स्वामी ने इसके बाद सवाल उठाते हुए पूछा, तो भारत ब्रिक्स का हिस्सा क्यों है? पंचतंत्र की कहानी का चमगादड़ बनने के लिए? बता दें, ब्रिक्स चीन की अगुवाई वाला गुट है जिसमें ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।